अमेरिका से भूपेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग पहुंचने वाले हैं न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क हम जाएंगे बाय बस। इस कार को मैं करूंगा पार्क बस स्टॉप पर, और वहां से ग्रेहाउंड की बस मुझे लेना है जो 4 या 5 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंचा देगी। और न्यूयॉर्क पहुंचकर हम लोग पहुंचेंगे पोर्ट अथॉरिटी, और पोर्ट अथॉरिटी हम लोग विजिट करेंगे। पोर्ट अथॉरिटी न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा जो है वो बस जंक्शंस है। करीब 8 माइल्स अंडरग्राउंड शहर में ये फैला हुआ है, और वहाँ से फिर हम लोग पोर्ट अथॉरिटी से लेंगे हम लोग मेट्रो ट्रेन और पहुँचेंगे हार्वर्ड बीच, और हार्वर्ड बीच से फिर ई ट्रेन का जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो हम सवार हो गए हैं ग्रेहाउंड की इस बस में। बेस्ट स्प्रिंगफील्ड से ये न्यूयॉर्क तक जाने वाली है, और इसका किराया मैंने पे किया है $30। एल्बनी जो है वो न्यूयॉर्क की राजधानी है, वहाँ पर इसका स्टॉप है, और बीच में कहीं भी इसके अलावा ये बस रुकेगी नहीं। जिनको टॉयलेट जाना है वो इसी बस में इनबिल्ट टॉयलेट में जा सकते हैं, और बहुत ही नीट एंड क्लीन टॉयलेट है, हाइजीन है। इसमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए हैं वो सभी है, स्पेस के हिसाब से हवाई जहाज के टॉयलेट के जितना ही है। ये ग्रेहाउंड की जो बसेज हैं काफ़ी कंफर्टेबल है, इनमें इनबिल्ट आउटलेट लगे हुए हैं मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के, और फ्री वाईफाई है, और बीच में जो स्पेस है रिक्लाइन चेयर और आपके लेग्स के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो आप कंफर्टेबली 3-4 घंटे यात्रा कर सकते हैं इसमें। और टाइम टू टाइम इसमें ड्राइवर की अनाउंसमेंट होती रहती है। ऑनलाइन टिकट आप बुक कराते हैं तो काफ़ी चीप रेट पर आपको टिकट मिल जाएंगे। इसके लिए आप ग्रेहाउंड की वेबसाइट्स पर जाकर बुक कराएं, क्योंकि करंट में लेते हैं तो इसको कई बार $30 से लेकर $150 तक में ये अवेलेबल रहते हैं। यात्रा करने का बस एक बड़ा अच्छा साधन है। मेन कंपनीज अभी काम कर रही है अमेरिका में, उसमें ग्रेहाउंड बस कंपनी के अलावा मेगा बस कंपनी है, बोल्ट बस कंपनी है, लक्स बस अमेरिका बस कंपनी है, बेमूज बस है, रेड कोच बस है, जेफरसन लाइन चलती है, पीटर पैन चलती है, फ्लिक्स बस है, और इन सब की सर्विसेज जो है बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं, और ऑल ओवर ये बसेज अमेरिका के सभी शहरों को पहुंचती है। इसके अलावा आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो एमट्रैक ट्रेन है अमेरिका में, और बस के कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन सुविधा के हिसाब से बहुत अच्छी है। हम लोग पहुंच गए हैं ये न्यूयॉर्क का 8 माइल्स में फैला हुआ बस स्टैंड है, जिसको पोर्ट अथॉरिटी आप न्यूयॉर्क कहते हैं। इसके पास ही में पेन स्टेशन जुड़ा हुआ है, यहाँ से आप न्यूयॉर्क के लिए सबवे ले सकते हैं सभी दूर, और मैनहट्टन एरिया में ये पोर्ट अथॉरिटी है। एक बसों की दुनिया इस पोर्ट अथॉरिटी में बसी हुई है, और पूरा अंधेरा रहता है क्योंकि अंडरग्राउंड ये 8 माइल्स के एरिया में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के नीचे फैला हुआ है, जहाँ पर बसों की आवाजाही होती है, और एक बहुत ही सुव्यवस्थित वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक के अकॉर्डिंग और साफ सुथरा ये बस अड्डा है न्यूयॉर्क के अंदर, बेसमेंट में कहें या अंडरग्राउंड में कहें, एक अपनी दुनिया है यहाँ पर। तो हम लोग पहुँच गए हैं पोर्ट अथॉरिटी, अभी बस से निकलकर हम लोग पहुँचते हैं सबवे स्टेशन पर। तो हम हैं इस वक्त पोर्ट अथॉरिटी न्यूयॉर्क,
single right. That's in the machine. Or is the accept? I give you change. Thank you. Excuse me. Can you buy for me? I need one single right. You have car? No car. I give you car. Single. Five. No, one ticket only. One ticket. Oh, yeah. जाने के लिए कौन सी ट्रेन होगी? ए अपटाउन ई टेन. अपटाउन ई टेन. और कौन सा स्टेशन है? जमैका. इट विल या जमैका. हाँ जमैका.